हाय फ्रेंड, मद्रासी स्वाद में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चॉकलेट बनाना पॉप्स। सबसे पहले केले को छील लें और इन्हें आधे भाग में काट लें। अब इसके बीच में स्क्यूअर या पॉप्सिकल स्टिक्स को इंसर्ट कर लें। मैंने स्क्यूअर को थोड़ा काट लिया है और कटे हुए भाग को स्मूथ कर लिया है। अब इन्हें पार्चमेंट पेपर से लाइन किए गए ट्रे पर रख लें। आप इसके बजाय एल्युमिनियम फॉइल भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे फ्रीजर में 1 घंटे के लिए रख लें। एक बर्तन में पानी गर्म कर लें। अब एक बाउल में डालें चॉकलेट चिप्स और उबल रहे पानी के ऊपर रख के पिघला लें। बीच बीच में चलाते रहें। इसी तरह से पिंक चॉकलेट को भी मेल्ट कर लें। अब एक केले के पीस को चॉकलेट से कोट कर लें और कसे हुए नारियल से गार्निश कर लें। दूसरे पीस को फिर से चॉकलेट से कोट कर लें और इसके ऊपर कटे हुए बादाम डाल लें। तीसरे पीस को सिर्फ चॉकलेट से कोट कर लें। अब चौथे पीस को पिंक चॉकलेट से कोट कर लें, स्प्रिंकल से गार्निश कर लें और इन्हें पार्चमेंट पेपर से लाइन किए गए ट्रे पर रख लें। आप अपने कोई भी मनपसंद टॉपिंग यूज कर सकते हैं। सर्व करने से पहले कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीज कर लें। चॉकलेट बनाना पॉप्स तैयार हैं। चॉकलेट को मेल्ट करते वक्त ध्यान रखें कि उबलता पानी ऊपर रखे बाउल को टच ना करे। आप इन्हें फ्रीजर में स्टोर करने के लिए एयरटाइट कंटेनर में या रैप करके 1 हफ्ते के लिए रख सकते हैं। आप केले को और छोटे टुकड़ों में काट के बना सकते हैं। केले को जल्दी से चॉकलेट में कोट कर लें क्योंकि चॉकलेट जल्दी से सेट हो जाता है। हमेशा फॉर्म पके केले ही यूज़ करें। अगर आपके पास ज़्यादा चॉकलेट है तो केलों को डिप करके कोट कर लें, इससे और स्मूथ कोटिंग मिलेगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और मद्रासी स्वाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।